सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है फिर से अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई पेज होगा या फिर आप कोई ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब तक आप लोगों को यही नहीं पता कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, किस तरीके से आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा, एक्चुअल जो आपको रैंकिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो आएगा। जब तक आपके कीवर्ड पे या फिर जो आपका कीवर्ड आप चूज करोगे, जब तक उस पर आपको पता ही नहीं है कि कितनी डिफिकल्टी है या फिर कितना उस पर ट्रैफिक है, तो आपको कोई काम करने का कोई फायदा नहीं है उस कीवर्ड पे। तो आपको किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो देखते रहिए वीडियो को। तो सपोज करो जैसे मेरी वेबसाइट है, तो सपोज करो मुझे इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरा होम पेज है, ठीक है। तो सपोज करो जैसे वेबसाइट है, मैं सपोज मान के चलता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये एक तरीके से कंपनी की वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देती है दिल्ली के अंदर। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली वेबसाइट जो है, जो भी आप जिस वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो या फिर जब आपकी ब्लॉग वेबसाइट है या फिर आपकी कोई एक बिजनेस वेबसाइट है, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली वो वेबसाइट किस टॉपिक पे है या फिर किसका वेबसाइट का मोटिव क्या, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विस वाली वेबसाइट है या फिर वो एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो आपको एक्चुअली वो पता होना चाहिए। देन आपको मतलब एक तरीके से वेबसाइट का पता होना चाहिए कि वेबसाइट किस बारे में, जब भी आप उसके बारे में एक माइंड में अपने कीवर्ड कुछ जो एक दो कीवर्ड्स अपने माइंड में ला सकते हो, देन हम उसको गूगल के हेल्प से हम और कीवर्ड आइडिया जनरेट करेंगे। तो जैसे मुझे आइडिया लग गया, जैसे मेरी वेबसाइट है ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस प्रोवाइड करती है दिल्ली के अंदर, तो मुझे एक तरीके से कुछ आइडिया लग गया कि मुझे कुछ जो कीवर्ड फाइंड करने हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कीवर्ड मुझे फाइंड करने लाइक कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल यूज़ करने वाला वो बिल्कुल फ्री है, जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो उसके सबसे पहले मैं चलता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर, हम सर्च करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करा हमने, तो पहले ही ये वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे और विजिट कीवर्ड प्लानर पर हम चलते हैं। इस टूल की, ये टूल बिल्कुल फ्री है, इस टूल की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं वो भी आसानी से। तो मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ है, तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना, इस पर आप अकाउंट बना लीजिए। देन आपका अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ टूल्स पर मिल जाएगा कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इसमें हम कीवर्ड सर्च करते हैं। और जैसे मैं आपको बताया कि किस क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है कीवर्ड सर्च करने के, जैसे सिंपली जैसे अगर सपोज करो जैसे मान ली मेरी वेबसाइट है, मैं चाहूँ तो सिंपली इसका लिंक कॉपी करके इस कीवर्ड पैनल यहाँ पे ना स्टार्ट विद द वेबसाइट इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं लिंक डालूंगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मेरी उस पेज से रिलेटेड मुझे कीवर्ड आइडिया जनरेट करके दे देगा। एक तो ये ऑप्शन है डायरेक्ट, जैसे आपको ये भी नहीं पता कि वेबसाइट किस बारे में, आपको समझ नहीं आ रहा, तो सिंपली आप इस टूल में जाके यहाँ पर स्टार्ट विद वेबसाइट में अपना लिंक डालेंगे वेबसाइट का, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के लिए कीवर्ड जनरेट करके दे देगा आइडियाज। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे दो ऑप्शन है, यूज़ द एंटायर साइट, मतलब कि आप पूरी एक अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड जनरेट करना चाहते हैं या फिर इस खाली एक पर्टिकुलर पेज के लिए कीवर्ड आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं खाली मुझे इस पेज के लिए कीवर्ड सर्च करनी है, तो मैं खाली इस पेज को सिलेक्ट करूंगा और गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडिया जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको उस पेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड जनरेट करके दे देगा। तो ये मेथड था, जब आपको नहीं पता किस तरीके से आपको मतलब कि आपकी वेबसाइट किस बारे में या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आपको कीवर्ड फाइंड करना है, तो एक सिंपल मेथड है कि आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालें, आपको कीवर्ड आइडिया जनरेट करके दे देगा। देन आपको मैं यही बताऊँगा आप कौन कौन से किस टाइप के आपको कीवर्ड चूज करने हैं, कितने कीवर्ड आपको चूज करने अपने किसी पेज के लिए या किसी ब्लॉग के लिए। तो देखिए सिंपल ये तरीका, पहले मैं दूसरा तरीके पर चलता हूँ जो आपको सिंपली करना होगा। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ गूगल, हम क्या करेंगे गूगल ऑटो सजेस्ट की हेल्प लेंगे। सबसे पहले सपोज करते हैं मैं यहाँ पे आऊँगा, गूगल पे आऊँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा, जैसे मेरा जो एक वेबसाइट है, मैं बताया आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एजेंसी को लेकर है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली।
तो आपको ना अभी एंटर नहीं मारना, अब यहाँ पे देखोगे आपको नीचे कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इनको नोटपैड में, पहले हम इन कीवर्ड को हम नोटपैड में एक लिस्ट बनाएंगे। तो जैसे हमारे एक कीवर्ड हो गया टेस्ट मार्केट एजेंसी इन दिल्ली, एक ये हमारा कीवर्ड हो गया। तो नीचे नीचे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन साउथ दिल्ली, ये एक कीवर्ड मिल गया हमें। फिर हम दोबारा से वही करेंगे, देखा यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली अनुसार ये हमें कीवर्ड मिला है। जैसे अभी एक हमें कीवर्ड मिला है ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर। ओ देखोगे तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, या फिर बेस्ट सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। जैसे इस तरीके से मैंने कुछ कीवर्ड यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बोल सकता है, तो डिजिटल मार्केटिंग में कंपनी यहाँ पर डाल के देखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। तो देखोगे तो दिल्ली का ये हमारा कीवर्ड हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन साउथ दिल्ली, इस तरीके से मैंने कुछ कीवर्ड आईडी यहाँ पे जनरेट कर लिए। ठीक है, सिंपली अब क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं इन कीवर्ड को हम कॉपी करेंगे और अपने हम चलते हैं स्टोर में कीवर्ड पैनल में, ताकि हमें बताएगा कि हमें किस, ये दिखाएगा हमें किस कीवर्ड पे क्या डिफिकल्टी है, कितना ट्रैफिक है, और हमें ये और कीवर्ड आईडी जनरेट करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट विद अ कीवर्ड करेंगे, हमने पहले स्टार्ट विद अ वेबसाइट किया था, अब हम स्टार्ट विद अ कीवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल दूंगा, जितने भी कीवर्ड थे मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कीवर्ड हैं, तो मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखोगे इसने मुझे यहाँ पे कीवर्ड जनरेट करके दे दिया। तो मुझे अब ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिसपे स्टार्टिंग में, अगर आपकी वेबसाइट न्यू वेबसाइट है तो हमें स्टार्टिंग में ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिसपे जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो लो हो और ट्रैफिक उस पर लिमिटेड, मतलब कुछ थोड़ा बहुत उस पर ट्रैफिक हो। तो जैसे मैं आपको देखूँ, जैसे मुझे यहाँ पे देखोगे तो ये मुझे कीवर्ड मिला है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। तो जैसे मैं अगर यहाँ चाहूँ तो ऐड भी कर सकते, इसमें मैं टिक कर दूंगा, जैसे एक कीवर्ड हो गया, क्योंकि इस पर मैं आपको एक्सेल शीट बना के दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे यहाँ पे कीवर्ड मिला डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, इस पर आप देखोगे तो ट्रैफिक भी मंथली जो सर्चेस एवरेज जो है 1,000 से लेकर 10,000 तक, और जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो लो है। जैसे मैंने एक कीवर्ड फाइंड कर लिया, एक एक कीवर्ड हो गया, इस पे हम जो ट्रैफिक है वहाँ लिख लेंगे सामने इसके। तो ऐसे हम क्या हो कुछ यहाँ पे जो कीवर्ड, पहले हम सिर्फ अभी कॉपी एक कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे, बाद में डिसाइड करेंगे हमें कौन से कीवर्ड पर काम करना है, जो हमारे मेन कीवर्ड होंगे वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। तो जैसे ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, इसमें देखो तो लो डिफिकल्टी है, ट्रैफिक सेम है, इस पर भी 1,000 से 10,000 तक, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, इस पर ट्रैफिक थोड़ा कम है और डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है इस पर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिल्ली, ये हमें कीवर्ड मिल गया, ट्रैफिक इस पर सेम है। तो मैं ऊपर देखता हूँ स्टार्टिंग में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग साउथ दिल्ली, इस पर ट्रैफिक कम है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन दिल्ली अनुसार। तो जो कीवर्ड है इसमें एक तरीके से एक तरीके से कंपनीज है, तो काफ़ी सारी कंपनीज एक तरीके से लिस्ट कोई बंदा सर्च कर रहा है इस कीवर्ड का जो इंटेंशन है। ऐसे कीवर्ड देखते हैं जिसमें हमें लगे कि इंटेंशन जो है एग्जैक्टली वही होना चाहिए कि कंपनी फाइंड करने वाला। जैसे मैं आपको नीचे दिखाता हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन दिल्ली, इस पर देखोगे आप डिफिकल्टी भी कम है और जो ट्रैफिक है वो भी ज़्यादा है, 1,000 से लेकर 10,000 तक। तो ऐसे ही नीचे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, हमने कीवर्ड ले लिया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली एनसीआर। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली एनसीआर, ट्रैफिक डिफिकल्टी लो है,
इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए कीवर्ड की। बेस्ट स्मगलिंग एजेंसी दिल्ली, बेस्ट स्मगलिंग दिल्ली, बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिल्ली, बेस्ट मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली एनसीआर, तो इस तरीके से आपको कीवर्ड एक लिस्ट बना ले रही है। जैसे हमने कुछ यहाँ कीवर्ड फाइंड कर लिए तो देखोगे तो ट्रैफिक तो सब पे सेम ही, जो मैंने कीवर्ड फाइंड करे और जो उनकी डिफिकल्टी है वो जो है सब पे लो है, मतलब कि हमारे यहाँ चांस हैं इन कीवर्ड पर रैंक होने के। तो अब जैसे हम क्या करेंगे, इनमें से हमें कोई भी, हमें सिर्फ दो कीवर्ड चूज करने हैं जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड रहेंगे, मतलब कि जिन पे हम पर रैंक होना ही होना है। जैसे मैं एक कीवर्ड मान लेता हूँ, ये वाला हमारा मेन कीवर्ड हो गया, प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। और हमें एक कीवर्ड और चाहिए, जैसे लिस्ट मार्केटिंग एजेंसी। अगर मैं सर्च करके देखता हूँ लिस्ट मार्केटिंग, ये तो इंडिया वाली कंपनी हो गया, तो मैं लिस्ट मार्केटिंग एजेंसी सर्च करता हूँ, फिर चेक करते हैं कि उस पर कितना ट्रैफिक है। लिस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो ऊपर देखोगे तो जैसे इस पर ट्रैफिक देखो, ये वाला कीवर्ड हम एक ऐड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए अब दो मेन कीवर्ड, मतलब कि ये हमारा जो मेन कीवर्ड रहेगा वो हमारा ये रहेगा, मतलब कि प्राइमरी कीवर्ड जिस पर हमें रैंक होना है। लेकिन ये सेकेंडरी कीवर्ड रहेगा कि अगर इस पर हम स्टार्टिंग में रैंक ना कर पाए तो इस पर हमें इस कीवर्ड पर भी हम ट्राई करेंगे रैंक होने की। तो अब बाकी जो एक कीवर्ड है ना, अब जितने कीवर्ड हमें अलग से मिले हैं, इन कीवर्ड को हमें अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा रिलेवेंट बन सके, ठीक है। तो हमें इन लिस्ट में से यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जो आपके पेज के लिए रिलेटेड हो सकते हैं और आपके वेबसाइट के लिए, आपके जो वेब पेज है या फिर आपकी वेबसाइट को ज़्यादा रिलेवेंट बनाएंगे आपके मेन कीवर्ड के। तो आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड फाइंड कर लेने चाहिए, जैसे लिस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली। तो आपको ऐसे कीवर्ड इन पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, हमें सिर्फ अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करने हैं ताकि जो हमारा कंटेंट है वो वेब पेज है वो ज़्यादा रिलेवेंट हो सके हमारे प्राइमरी कीवर्ड के। तो ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ हम अपने कंटेंट का इसलिए यूज़ करेंगे इन कीवर्ड को। तो मैं ऐसे कुछ कीवर्ड फाइंड कर लेता हूँ जो हमारे मेन कीवर्ड या प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड के रिलेटेड हों, मिलते जुलते हों उनसे। बेस्ट टेस्ट मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, देखते हैं ये वाला हमारा कीवर्ड था नहीं है, ये कीवर्ड हमारा इसमें नहीं है तो हम इसको ऐड करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करें स्टार्टिंग में, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उस पर डिफिकल्टी कम होती है और आपके ज़्यादा चांस होते हैं रैंक होने के। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली है, इसके अंदर देखोगे हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया और जो है तरीके से लॉन्ग कीवर्ड भी बन गया, इस पर आप देखोगे ट्रैफिक भी है। तो अगर आप चाहो तो उसको मेन एक तरीके से उसको चाहो तो मेन कीवर्ड ही बना सकते हो, क्योंकि इस पर ट्रैफिक भी कम है और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है, लोग सर्च भी करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, तो जैसे ये कीवर्ड हो गया और कीवर्ड हम देखते हैं फाइंड करते हैं बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, इस पर ट्रैफिक कम है। हमें ऐसे कीवर्ड फाइंड करने थोड़ा जिसमें ट्रैफिक भी हो और जो रेलिवेंट हो। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली एनसीआर, ये कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड जैसे दो, एक कीवर्ड हमारा होगा मेन कीवर्ड, एक हमारा होगा सेकेंडरी कीवर्ड, और बाकी जो हमने कीवर्ड निकाले हैं इन कीवर्ड को हम अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा कंटेंट है वो ज़्यादा रिलेवेंट हो सके, ठीक है। एक अभी ये मेथड हो गया। अब आपको करना है एक तरीके से कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है कि वो किन किन कीवर्ड पे रैंक है। इससे हमें, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली इसको मैं सर्च करूँगा गूगल पर डायरेक्टली, इसको मैं सर्च कराऊंगा और मैं ये देखूंगा कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से, वो कौन कौन से कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उन कीवर्ड को हम अपने कंटेंट के अंदर यूज करेंगे। जैसे पहले वेबसाइट देखोगे तो जिसने यहाँ पे क्या हुआ है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली डाला हुआ है, इसने यहाँ ब्लॉग डाला हुआ है, कोई कंपनी के तरीके से नहीं डाला हुआ इसने। जैसे मैं यहाँ पे देख लिया ये वाली कंपनी, इस खोल लिया मैंने और ये नीचे वाला खोल लिया दो, और ये तीसरा मैं इसको खोल लेता हूँ। तो मैंने तीन वेबसाइट खोल ली है,
अब हमें क्या करना है, इसका एक तरीके से हमें इसका कंटेंट इसका देखना है किस कौन कौन से कीवर्ड अपने कंटेंट के अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखोगे आप, इसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और टेली इंडिया इस तरीके से अपने कीवर्ड को यूज किया हुआ है। एग्जैक्ट इसने अपने कंटेंट के अंदर एग्जैक्ट यूज नहीं किया, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने कीवर्ड को यूज किया हुआ आप देखेंगे। अब देखोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे आ गया और डेली इंडिया का यहाँ पे आ गया, तो एक स्ट्रेटेजिकली जो अपने कीवर्ड को उसने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करके देखते हैं दिल्ली, यहाँ पे इसके वेबसाइट में कितनी बार आ रहा है, 9 बार इसके होम पेज पे यहाँ पे दिल्ली है। तो स्टार्ट जैसे यहाँ पे देखोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, सेम इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। तो इसके होम पेज पे इतना कंटेंट है नहीं, तो दूसरी वेबसाइट को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे इस पर होम पेज पे काफ़ी कंटेंट है, तो ये देखते हैं कि इसने किस तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया है, कौन कौन से इसने अपने कीवर्ड अपने यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे देखोगे पहले ये जो कीवर्ड मिल गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी डेली अनुसार, ये एक हमें कीवर्ड मिल गया, तो इसको भी हम अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। हमें सिर्फ अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करना है इन कीवर्ड को, ताकि हमारा कंटेंट भी रिलीवेंट बन सके। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। वो जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ पहले मैं डिजिटल, ताकि मुझे पता चल रहा है इसने कहाँ कहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन दिल्ली, एक ये कीवर्ड मिल गया, इसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया। और जैसे और चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये देखो ऐसे मिलते हैं कीवर्ड आइडियाज, कॉम्पिटेटर के कीवर्ड ऐसे चुराते हैं। और दिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ने यहाँ पे यूज़ किया बहुत बार से डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर। ये देखो किस तरह, ये देखते हैं हमारे पहले पे हमारे पास ये कीवर्ड लिस्ट में नहीं है, इसको हम ऐड करते हैं। सी दिल्ली एनसीआर, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ये कीवर्ड ये हमारे पास नहीं था, इसको हम ऐड करेंगे। और नीचे चलते हैं और हमें आइडिया मिलेंगे, जैसे टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली एनसीआर, देखो किस तरीके से कौन कौन से कीवर्ड यूज करें आप कंप्यूटर। और डिजिटल मार्केटिंग अफोर्डेबल डिजिटल सॉल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग अफोर्डेबल डिजिटल सॉल्यूशन, ये भी हम ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर यूज करने के लिए। अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो हमने साइड डाल लिया, ये रहे यहाँ पे, ये यूज़ कर रहा है अपने कंटेंट के अंदर बार बार। वो नीचे चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो ये कुछ है जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के साथ मैच करके लगे, इसको मिला के कुछ या कीवर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको भी अपने ऐड कर लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, देखो कितनी बार यूज़ किया हुआ डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन देखो उसने यहाँ भी यूज़ किया हुआ, तो ये फोकस कर रहा है और ये ऐसे कुछ कीवर्ड पे। तो यहाँ पर देखो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऐड करो इसको भी। और चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये देखो ये तुम्हारे पास होती है, तुम्हारा कीवर्ड है सेकेंडरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ये भी हमारा मेन कीवर्ड है। तो चलते हैं नीचे, देखो डिजिटल सर्विसेज फ्रॉम, ये तो नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, देखो कितनी बार ये यूज़ कर रहा है। तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे अपने कंटेंट के अंदर, लिस्ट के अंदर कीवर्ड की। चलते हैं नीचे थोड़ा और देखते हैं कीवर्ड हमें कुछ फाइंड आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, देखो एक कीवर्ड इसने यहाँ पे आ गया इसके, इसको पहले मैं नोटपैड में मिटा देता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया इस कीवर्ड मिल गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने आपको अपने कंप्यूटर के इस तरीके से, आप जैसे मैंने एक इसका देखा, आप दूसरी वेबसाइट में भी देखोगे तो आप, ये तो यहाँ पे लिस्टिंग वेबसाइट है,
ठीक है, तो हमने एक कॉम्पिटर के अपने एक कॉम्पिटर के कीवर्ड निकाल लिए हैं, कौन से वो अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड को यूज़ कर रहा है। अब आपको करना क्या, हमने अपने मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड में निकाल लिया, इन पे हमें इन कीवर्ड के हिसाब से हमें टारगेट अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, लाइक अगर आप सीखना चाहते हो कि इन कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं डेफिनेटली, देन हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे और उस पर हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपका करना क्या होगा, जैसे कीवर्ड है, अब इन कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट को तैयार करना है। आपको यहाँ पे आइडिया लग गया है कि कौन कौन से क्या क्या हमारे कीवर्ड है, और जो ये कीवर्ड है इन कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है, नेचुरली स्टफिंग नहीं करनी है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपको अपने इन कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा कि किस तरीके से कीवर्ड से आप कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। इतना कोई टफ, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीका है, इतना लोगों ने इसको टफ बनाया हुआ है, इतना टफ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।